देखो सर, बाबर आजम ने एक और सौ बना दिया, 58 बॉलों में सौ बनाया एक और न्यूजीलैंड T20 मैच में। बाबर की तो बैटिंग आप T20 में देखो यार, अगर हाइलाइट देखो बड़ा मजा आता है, वो उसी तरह के शॉट्स खेलते हैं। बाबर आजम इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम बन चुके हैं। हर गुजरते मैच, हर गुजरती सीरीज के साथ बाबर आजम अपने बल्ले का लोहा पूरी दुनिया को मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में बआसानी शिकस्त दे दी और इस कामयाबी के साथ बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में एज अ कैप्टन 42 रन के साथ टॉप पे आ चुके हैं। उनके साथ इस वक्त एवन मॉर्गन और असगर अफगान 42 कामयाबियों के साथ टॉप पे हैं, और अगर वो तीसरे मैच में भी इस स्ट्रीक को जारी रखते हैं सो वो दुनियाई क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विंस के साथ टॉप पे आ जाएंगे। ओवरऑल अगर हम कल के मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और एज यूजुअल बाबर रिजवान ओपनिंग करने आए। रिजवान ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जिस तरह की इनिंग बाबर आजम ने खेली मैं समझता हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस इनिंग के। और बाबर आजम ने एक शानदार सेंचुरी जड़ दी और ये इनके करियर की तीसरी सेंचुरी है और ये भी एक तरह का उनका रिकॉर्ड इक्वल हो चुका है। इसके बाद 4 सेंचुरियों के साथ टॉप पे रोहित शर्मा है। सो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम इस रिकॉर्ड को भी जल्द तोड़ देंगे। खैर, कल की जो बाबर आजम की सेंचुरी थी उसमें जो सबसे अच्छा उनका पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, वो उनका स्ट्राइक रेट था। 170 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने बैटिंग की। बाबर आजम में क्लास तो है ही है, लेकिन जिस तरह के पावर हिटिंग में कल बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली वो आज से पहले बाबर आजम ने कभी शो नहीं की। आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे और जिस तरह की फास्ट बॉलर्स को उसने कवर पे छक्के मारे और जिस तरह उसने शो किया कि वो डे बाय डे मज़ीद इंप्रूव कर रहा है अपनी बैटिंग को, पावर हिटिंग को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है। सो 51 बॉल्स पे उसने सेंचुरी स्कोर की और एक ज़बरदस्त इनिंग। उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग की और बॉलिंग में पिछले मैच के हीरो हारिस रऊफ ने इस दफ़ा फिर 4 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ हमें PSL में थोड़े ऑफ कलर नज़र आए थे और उनसे उस तरह परफॉर्म नहीं हुआ। आपको याद होगा PSL का फाइनल भी वो काफ़ी ऑफ कलर थे और उसने काफ़ी रन्स ली किए, लेकिन इस दफ़ा हारिस रऊफ मज़ीद मेहनत के साथ वापस आया है और वो उसका अंदर जो एक जोश और पैशन नज़र आ रहा है हारिस रऊफ में, और कल उसने फिर 4 विकेट हासिल की। लेकिन मैन ऑफ द मैच तो ज़ाहिर सी बात है बाबर आजम को दिया गया। खैर, आप क्या राय रखते हैं इस बाबर आजम की इनिंग के बारे में और ओवरऑल मैच के बारे में? आप लोगों की क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।